नमस्कार दोस्तों, स्वास्थ्य और सौंदर्य चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, नुस्खे दादी माँ के अगली कड़ी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में जानेंगे जिनका उपयोग करके छोटी मोटी बीमारियों से बचा जा सके, तो फिर बने रहिए इस वीडियो के साथ। हिचकी पर काबू पाने के लिए तुलसी की ताजा पत्तियों के साथ जायफल के महीन टुकड़ों को मुख में चबाने से हिचकी तुरंत बंद हो जाएगी। कटे फटी एरियो में पिघले मोम में शहद मिलाकर एरियो की दरारों पर लगाने से दरारें शीघ्र भर जाती हैं। शीत ऋतु में लौंग मुंह में डालकर उसका रस चूसने से शीत ऋतु का असर नहीं होता है, साथ ही सर्दी लगने से बचाव भी होता है। अनार का रस कृमि नाशक होता है, यदि रोज अनार का रस पिया जाए तो 2 सप्ताह में ही पेट के सारे कीड़े मर जाएंगे। मलाई में काली मिर्च व सेंधा नमक मिलाकर 2 चम्मच खा लें और थोड़ी देर तक पानी न पिए। ऐसा करने से सूखी खांसी में आराम मिलता है। जो बच्चे रात को बिस्तर में पेशाब करते हैं उन्हें सोने से पूर्व एक अखरोट की गिरी के साथ 4-5 किशमिश खिलाएं। कुछ ही दिनों में फायदा देखने को मिलेगा। मेहंदी के पत्तों को मुंह में रखकर चबाने से मुंह के छालों में राहत मिलती है। 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 नींबू का रस निचोड़ें तथा 2 चम्मच शहद मिलाकर पी जाए। कम से कम 2-3 महीने रोज सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से वजन घटाने में आश्चर्यजनक लाभ मिलेगा। 5 तोले गुलाब जल में 4 रत्ती फिटकरी घोलकर शीशे में रख लें। इस द्रव को नेत्रों में डालने से आंखों की लाली, कीचड़, दुखना, शोथ आदि रोग दूर हो जाते हैं। काले तिल, सौंठ, पीपल, भृंगी तथा गुड़ सम भाग लेकर काढ़ा बनाएं। 20 दिन तक सेवन करने से मासिक धर्म की खराबियां दूर हो जाती हैं। दिन में 2 बार इसबगोल की भूसी की फक्की लेते रहने से सब प्रकार के श्वास रोग मिट जाते हैं। इसके लगातार सेवन से पुराने से पुराना दमा भी जड़ से खत्म हो जाता है। मुख में पानी भरकर आंखों पर ठंडे पानी के छींटे दिन में 3 बार मारते रहने से आंखों के रोग नहीं होते हैं तथा दृष्टि ठीक रहती है। नींबू के रस में भीगी हुई सौंफ को भोजन के बाद खाने से पेट का भारीपन दूर होता है तथा शौच भी साफ आता है। नुस्खे दादी माँ की इस कड़ी में आपने कुछ सरल व आसान घरेलू नुस्खों के बारे में जाना। आशा है आपको हमारा ये वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा। हमारे नए नए स्वास्थ्य और सौंदर्य संबंधी जानकारियों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि इसी तरह हम नई नई जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहें। धन्यवाद।